बिहार के बक्सर जिले में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन अचानक से रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। देखते देखते ही ट्रेन के 6 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 20 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे को लेकर ट्रेन के गार्ड विजय कुमार ने आंखों देखा हाल बताया है, आइए जानते हैं। 23 कोच वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार को सुबह 7:40 पर दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से रवाना हुई थी और इसे करीब 33 घंटे की यात्रा के बाद कामाख्या पहुंचना था, लेकिन गुवाहाटी के कामाख्या पहुंचने से पहले ही ये बक्सर जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के कारणों की वजह पता नहीं चल पाई, लेकिन ट्रेन के गार्ड विजय कुमार ने हादसों का आंखों देखा हाल बताया। विजय कुमार की जुबानी, ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चल रही थी और मैं बैठकर अपना कुछ कागजी काम कर रहा था, तभी अचानक से एक ब्रेक लगी और गाड़ी धीरे धीरे झटके लगने लगे। फिर एक बड़ा झटका लगा और मैं बेहोश हो गया। 5 मिनट बाद मुझे होश आया। मैंने आंखों पर पानी के छींटे मारे, लेकिन मुझे नहीं पता ड्राइवर ने अचानक से इस तरह ट्रेन में ब्रेक क्यों लगाने लगा। फिलहाल इस हादसे में घायल हुए लोगों को पुलिस की मदद से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से 20 लोगों को पटना एम्स रेफर कर दिया गया है।